अब देख रहे हैं हमारा समाचार, मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबरों का। पहलवानों ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। पहलवानों के ऐलान के बाद इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया गेट के आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस ने इंडिया गेट के सामने बैरिकेडिंग लगाई है। ब्रजभूषण सरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम। नरेश चिकैत ने सरकार को 5 दिन का समय दिया है। पहलवानों के ऐलान के बाद इंडिया गेट की सुरक्षा जो है वो बढ़ी है। इंडिया गेट के आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। पहलवानों ने आमरण अनशन का ऐलान किया है। पहलवानों के ऐलान के बाद इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ी है। इंडिया गेट के आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात। पुलिस ने इंडिया गेट के सामने बैरिकेडिंग लगाई है। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम। नरेश चिकैत ने सरकार को 5 दिन का समय दिया है, जिसके बाद से अब पहलवानों ने आमरण अनशन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। इंडिया गेट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया गेट पर बैरिकेडिंग की गई है। पहलवानों के ऐलान के बाद इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ी है। पहले जो पहलवान है वो अपना मेडल जो है गंगा में विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद से उन्हें रोका गया और अब पहलवानों ने आमरण अनशन का जो ऐलान है वो किया है, जिसके बाद से ही इंडिया गेट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग जो है वो इंडिया गेट पर किए गए हैं। इंडिया गेट के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए पहलवान पहले अपना मेडल जो है वो गंगा में विसर्जित करने जा रहे थे, जिसके बाद से पहलवानों ने आमरण अनशन का ऐलान किया है। किस प्रकार से इंडिया गेट की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है? देखिए, पहलवानों द्वारा आमरण अनशन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ाई है। इस वक्त हम इंडिया गेट के समीप मौजूद है, आपको तस्वीरें यहां की दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो इंडिया गेट पर तैनात है। इसके साथ ही बैरिकेडिंग पूरी तरह से इंडिया गेट के आसपास किया गया है, चूंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं घूमने के लिए, अलग अलग राज्य से पहुंचते हैं। और मंगलवार को जब पहलवानों ने ऐलान किया कि वो आमरण अनशन इंडिया गेट पर करेंगे, जिसके बाद आज इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है, और दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखेंगे तो वहां पर भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जिससे पहलवान यहाँ पर ना पहुंच सके। चूंकि 28 मई को जब महिला महापंचायत का आयोजन नए संसद भवन के बाहर किया गया था, उस दौरान पुलिस ने जंतर मंतर से आगे नहीं बढ़ने दिया था पहलवानों को, जिसके बाद दुर्व्यवहार का आरोप पहलवानों ने पुलिस पर लगाया था और हिरासत में भी लिया गया था, जिसके बाद पहलवानों ने ऐलान किया कि वो इंडिया गेट के पास आमरण अनशन करेंगे। जंतर मंतर पर कई दिनों से बैठे हुए हैं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप पहलवान लगा रहे हैं महिला पहलवानों द्वारा, और 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया है। जिसके बाद आप पूरी तस्वीर इस वक्त इंडिया गेट की देख पा रहे त्रिशला, जहां पर यहां पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, और बताया जा रहा है कि पहलवान ना पहुंच सके इसलिए जवानों की तैनाती यहां पर की गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। चूंकि जंतर मंतर पर भी इजाजत पहलवानों को नहीं दिया जा रहा है, और पुलिस का कहना है कि जब तक इजाजत पहलवानों को नहीं मिलता है तब तक आमरण अनशन नहीं करने दिया जाएगा, और इसी वजह से यहां पर भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है और पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दिया गया है। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये जो पहलवानों का प्रदर्शन है कहीं ना कहीं ये बढ़ता जा रहा है और बड़ा रूप लेते हुए जा रहा है, और यही वजह है कि अब खाप पंचायतें हो या फिर कहा जाए किसानों का एक जत्था है, अब वो पहलवानों के समर्थन में आ गया है। स्वाति जी, बिल्कुल, देखिए त्रिशला, जब पहलवानों ने फैसला लिया कि वो जो मेडल उन्हें मिला है वो
हरिद्वार में प्रवाहित करेंगे, जिसके बाद किसान नेता हो, खाप नेता हो, वो तमाम लोग हरिद्वार पहुंचे और नरेश टिकैत ने खुद पहलवानों को समझाया, जिसके बाद 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और पहलवानों ने उस मेडल को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने नरेश टिकैत को मेडल सौंप दिया है और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अब जो आगे खाप पंचायतें फैसला लेगी, उस हिसाब से पहलवानों का क्या फैसला आगे होगा वो रुख साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया और पहलवानों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है, यौन शोषण जैसा आरोप है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे वो आहत है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन किया जाएगा और उसी ऐलान के बाद यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप तस्वीरें इस वक्त सीधे तौर पर इंडिया गेट से देख पा रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं लगातार यहां पर तैनात हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई भी ऐसी तस्वीर इंडिया गेट से ना आ सके और इसी वजह से बड़ी संख्या में तैनाती यहां पर की गई है और सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही बढ़ा दी गई है। ये भी साफ है कि जो आंदोलन पहलवानों ने शुरू किया है वो जल्द खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये साफ कर दिया गया है कि जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि अगला कदम पहलवानों का क्या होगा, क्योंकि नरेश टिकैत के पास मेडल सौंप दिया गया है, 5 दिनों का अल्टीमेटम नरेश टिकैत की तरफ से दिया गया है। अब जो खाप पंचायतें फैसला लेगी उसी हिसाब से पहलवानों का अगला रुख त्रिशला साफ हो पाएगा। बिल्कुल स्वाति, अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सेंट्रल